हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मार्की टैग। HTML में मार्की टैग क्या होता है, इसका एग्जांपल हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आपका HTML और हेड सेक्शन ओपन हुआ, टाइटल टैग में लिखा है मार्की टैग एग्जांपल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बैकग्राउंड कलर हमने पर्पल सेट कर रखा है। एक्चुअल टैग जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बॉडी में तुरंत हमने वो लगा दिया है मार्की, स्पेलिंग है MARQUEE। इस मार्की टैग के हेल्प से हम कुछ टेक्स्ट को या पूरी लाइन को या इमेज को स्क्रीन पे मूव कराते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम अप या अप डाउन, अलग अलग डायरेक्शन में। जब टेक्स्ट या इमेज को मूव कराना हो तो उसे हम मार्की टैग के इन बिटवीन रखते हैं। देखिए, इस बार मार्की टैग में हमने डायरेक्शन सेट कर दिया है राइट। डायरेक्शन इस मार्की टैग का एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है क्या, राइट। तो राइट साइड में मूव होगा, क्या मूव होगा, ये मार्की टैग यहां पे क्लोज होकर के ये जो वर्ड आया है फर्स्ट पेज, ये शब्द मूव होगा। ये ओपनिंग मार्की टैग था, ये क्लोजिंग मार्की टैग है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी रखेंगे वो मूव करेगा। तो बड़ा सा दिखे इसलिए हेडिंग टैग के अंदर फर्स्ट पेज वर्ड लिखा है हमने, दो वर्ड, ये मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा क्योंकि डायरेक्शन राइट है। बिहेवियर तीन टाइप का हो सकता है, स्क्रोल, स्लाइड या अल्टरनेट। तो बिहेवियर हमने सेट किया स्क्रोल, तो ये अल्फाबेट एक एक करके कॉर्नर से लेफ्ट से आएंगे, एक एक करके आएगा वर्ड, ई आएगा, जी आएगा, ए आएगा, पी, ऐसे एक एक करके अल्फाबेट करके पूरे वर्ड आएंगे स्क्रीन पे ऐसे, और ऐसे मूव करके एक एक करके गायब हो जाएंगे। चलिए इसके इफेक्ट देखते हैं। यहां एक लाइन खींची है ऐसे और हम मार्की नीचे लाएंगे, ये HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल टैग है, मेन हमें मार्की टैग का इफेक्ट देखना है। चलिए देखते हैं, सेव, मैंने जस्ट अभी इसको एग्जीक्यूट किया था। देखिए बैकग्राउंड बीजी कलर पर्पल है, इसका बिहेवियर स्क्रोल था तो एक एक अल्फाबेट करके इस कॉर्नर से निकला, और ये राइट तरफ इसका डायरेक्शन एट्रीब्यूट हमने सेट किया है राइट, तो ये राइट तरफ जा रहा है और इस कॉर्नर से ये एक एक अल्फाबेट गायब हो जाएगा। दिस इज योर स्क्रोल, इट्स ए स्क्रोल बिहेवियर। तो स्क्रोल में एक एक अल्फाबेट करके निकलता है और एक एक अल्फाबेट करके गायब होता है। अगर ये स्लाइड होता तो पूरा एक साथ यहां आता, अपियर होता और एक साथ यहां आके गायब हो जाता, और अल्टरनेट में ये दोनों तरफ टॉगल करता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन ब्राउजर टू ब्राउजर ये अलग अलग बिहेवियर, कहीं कुछ सपोर्ट होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए कुछ और अपने नोटपैड फाइल में हम लाते हैं, कुछ और कंटेंट देखते हैं उसका इफेक्ट। इस नोटपैड फाइल में हमने कुछ एडजस्ट किया है, मार्की टैग, डायरेक्शन राइट, बिहेवियर स्क्रोल, यहां कुछ और एट्रीब्यूट यूज किया जा सकता है मार्की टैग के अंदर। स्क्रोल अमाउंट, जैसे इसकी वैल्यू 10 है तो 10 बार स्क्रोल होगा। स्क्रोल डिले सेट कर सकते हैं, 200 वैल्यू उसका स्क्रोल डिले है। तो स्क्रोल डिले, स्क्रोल अमाउंट, बिहेवियर, डायरेक्शन, ये सब मार्की टैग के एट्रीब्यूट है। मार्की कौन होगा, इन ओपनिंग और क्लोजिंग मार्की के बीच में जो वर्ड है फर्स्ट पेज, जो अभी हमने लास्ट टाइम रन करके देखा है। फिर एक हॉरिजॉन्टल रूल ले लिया हम, उसके बाद फिर से एक मार्की ओपन कर रहे हैं, अब की बार डायरेक्शन सेट कर दिए लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट साइड स्क्रीन में मूव करता नजर आएगा। बिहेवियर है स्लाइड, देखते हैं स्लाइड में कुछ डिफरेंट इफेक्ट ये ब्राउजर सपोर्ट करता है नहीं। सेकंड मार्की वर्ड, ये शब्द आपका मार्की होगा, और उसके बाद मार्की टैग क्लोज, फिर एक लाइन खींची हुई आएगी HR टैग की वजह से, फिर से मार्की टैग ओपन, इस बार डायरेक्शन है अप ऊपर की ओर, बिहेवियर है अल्टरनेट, ये इफेक्ट भी देखने मिलता है कि नहीं देखते हैं, ब्राउजर सपोर्ट करता है कि नहीं। थर्ड मार्की वर्ड, ये शब्द है जो मार्की होगा, स्क्रोल होकर ऊपर जाएगा क्योंकि डायरेक्शन है अप, मार्की क्लोज, फिर से एक लाइन हॉरिजॉन्टल रूल, अगेन मार्की ओपन किया, डायरेक्शन है डाउन, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा कौन, ये फोर्थ मार्की वर्ड जो शब्द है ये जाएगा, हेडिंग टैग के अंदर है, बड़ा दिखे, बिहेवियर है स्क्रोल, उसके बाद मार्की क्लोज, देन बॉडी और HTML क्लोज। तो ये चेंजेस को हम करते हैं सेव, सेव करके हम यहां पे रिफ्रेश करें इसको। देखिए मैंने पहले ही एग्जीक्यूट किया था, ये पहला वाला मार्क किया जिसमें डायरेक्शन है राइट या नीचे, जस्ट उसके डायरेक्शन है लेफ्ट वाला, और एक नेक्स्ट है डायरेक्शन अप वाला, और ये है डायरेक्शन डाउन वाला। तो इन दोनों का इफेक्ट देखिए, ये आपका अल्टरनेट वाला है, एक में बिहेवियर हमने सेट किया स्क्रोल, एक में स्लाइड, एक में अल्टरनेट, तो सभी के इफेक्ट में आपको अंतर नजर आएगा। आप खुद से करिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके देखिएगा, तीनों बिहेवियर के अंतर आप
प्रैक्टिकल करके देखें। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।